तो भाई लोग अभी अभी खबर ये आ रहा है कि सिंगर सोनू निगम के ऊपर हमला हुआ है। सिर्फ अकेला सोनू निगम पर नहीं, उनके फ्रेंड्स के ऊपर भी हमला हुआ है। मतलब गाइस, महाराष्ट्र के चेंबूर में कल एक कॉन्सर्ट था और उसमें सोनू निगम परफॉर्म कर रहे थे और उसी बीच कुछ फैंस आके सोनू निगम जी से सेल्फी मांगा और जब सेल्फी मांगने से सोनू निगम नहीं दिया तब उन लोगों ने डायरेक्ट अटैक कर दिया सोनू निगम पर। यह हादसा करीब कल रात 11 बजे हुआ, जहां पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो यह हमला कि कैसे सोनू निगम पर यह हमला किया जा रहा है। और जब सोनू निगम के दो फ्रेंड्स उनको बचाने के लिए आया तब उन लोगों को भी धक्का दे के नीचे गिराया गया, जिससे उन लोगों का जान भी जा सकता था। और भाई लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, ये अटैक कौन किया, किस गैंग ने किया। दरअसल ये अटैक उद्धव ठाकरे एमएलए प्रकाश फाटेर पे कर की लड़के और उसके दोस्त ने किया इस म्यूजिक इवेंट चेंबूर में। और ये अटैक होने के बाद ही सोनू निगम और उसके फ्रेंड्स को हॉस्पिटल में ले गया। ये इंसिडेंट ठीक सोनू निगम का कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ही हुआ कि जब सोनू निगम स्टेज से नीचे आ रहे थे तब ये अटैक हुआ सेल्फी लेने के मामले में। अभी हाल ही में इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब उनके फैंस उनके साथ फोटोज लेने के लिए आए थे या फिर सेल्फीज लेने के लिए आए थे तब पृथ्वी शॉ मना करने के बाद ही अटैक कर दिए। और अभी आईपीसी धारा 323 और 337 के अनुसार उन लोगों के अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें सोनू निगम क्या बोले आप लोग अभी देख सकते हो। मैं नीचे गिर गया, मैं स्टेप पे गिर गया, अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता वो, अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो, इसलिए बस इसलिए मैंने शिकायत दर्ज की है, इसलिए ताकि लोगों को ये थोड़ा लेकिन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते हैं तो उसके बाद में अरोगेंस और ये धक्का मुक्की। तो भाई लोग, अभी ये केस के रिलेटेड कुछ खबर आते हैं तो मैं अभी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिए ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। तो मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बी सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।